तो कैसे हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल महा झूठा है। ये व्यक्ति एक चिट्ठी और बाहर लेके आ गया जी। अभी ईडी की कस्टडी में है भाई साहब, लेकिन चिट्ठियां तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे अपने ससुराल गए हैं और वहां से प्रेम पत्र लिख रहे हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि पिछली चिट्ठी आतिशी को दी थी जो कि जल मंत्री है, और आतिशी की आंखों में आंसू आ गए थे और बहुत ही मेलोड्रामा हुआ था कि किस तरीके से जेल में बैठ के अरविंद केजरीवाल किन की चिंता कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की। उनका तो मतलब ये था कि इतना कोई कैसे अच्छा व्यक्ति हो सकता है जो खुद के बारे में ना सोच के दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं। अब पहली चीज़ तो बहुत क्लियर बता दूँ, ईडी अब जाँच कर रही है कि ईडी की कस्टडी में कैसे अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी दे दी, क्योंकि ना ही देखिए जो चिट्ठी दिखाई गई थी वो टाइप्ड थी, हाथ से लिख के साइन नहीं थी, एक टाइप थी कंप्यूटर से, उसका प्रिंट था और कहीं पर अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर नहीं थे। तो ईडी का ये कहना है कि ना ही उन्होंने उनको कोई सिस्टम मुहैया कराया कि भाई कंप्यूटर दिया हो जहाँ पे उन्होंने टाइप करके चिट्ठी दी हो या मेल की हो, तो ऐसी कोई सुविधा उनको नहीं है। और जब उनकी पत्नी या वकील मिलने आते हैं तो वो भी पूरा सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। तो अब इसके ऊपर जाँच होगी और ईडी कोर्ट में इस पर पेश करने वाली है। तो भ्रष्टाचारी तो ये है ही, और ये और ईडी की कस्टडी में गलत काम फर्जीवाड़ा करने के आरोप में भी जाएगा। और आतिशी जो बाहर बैठ के ये पूरा प्रपंच रच रही है, ये मतलब आप मान लो अरविंद केजरीवाल इनको गिरफ्तार करवाना चाह रहे हैं, वो चाहता ही नहीं आतिशी सीएम बन जाए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा था कि अरविंद केजरीवाल रह नहीं सकता इस पद पर बैठा हुआ। आप नाटक पूरे कर लो पर आप जेल जाओगे तिहाड़, और उसके बाद आप कैसे मैनेज करोगे? आप सरकार चला नहीं सकते। आप अभी तो पूरे ड्रामे कर रहे हो कि मैं जेल में बैठ के सरकार चलाऊंगा, बट आपको अंदर ऑफिस नहीं मुहैया करा दिया जाएगा जो आप ये जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये कि इसकी जानी है, ये सीएम पद से हटेगा। तो अब लड़ाई अंदर है आप पार्टी में, है ना, कि सुनीता जो कि अरविंद केजरीवाल की बीबी है, अरविंद चाहता है उसको सीएम बनाना, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के हैं आतिशी हो गई, सौरभ भारद्वाज हो गए और इस तरह के जो नेता हैं, ये चाह रहे हैं कि उनकी बीबी क्यों बने, उनका क्या योगदान है, उनका जो मत है। और दूसरा एक संकेत ये और चला जाएगा कि अरविंद केजरीवाल परिवार को आगे बढ़ा रहे, अपने परिवार से ही पत्नी को बैठा दिया। और आप ये मत सोचिएगा लालू प्रसाद यादव जेल गया था उसने राबड़ी को कर दिया था, राबड़ी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, सुनीता पढ़ी लिखी होशियार है, ये भी कुर्सी पे बैठना चाहती है। राबड़ी तो तब कह रही थी नहीं मुझे नहीं, लेकिन बना दिया गया, मना किया था कि मेरे बस का नहीं है, पर सुनीता वैसी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये खेलेगी। और यही पूरा एक घमासान छिड़ चुका है, क्या अरविंद केजरीवाल अब आतिशी सौरभ भारद्वाज इनका पत्ता साफ करने के उसमें आ चुके हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरी चिट्ठी और आ गई। अभी पहले पे तो फर्जीवाड़ा दिख ही गया, दूसरा एक और आया, लेकिन इस बार इन्होंने चिट्ठी नहीं दिखाई, वही ड्रामा, आए बैठे बोले कि अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को अब चिट्ठी दी है कि उन्हें बड़ी चिंता हो रही है। एक तो उन्हें पता कहाँ से लगता है, अरविंद केजरीवाल को कौन बताता है ईडी की कस्टडी में कि जी पानी की किल्लत हो रही है, अरे जी दवाइयों की किल्लत हो रही है, तो अब बोलते हैं कि मेरे को पता लगा है कि दवाइयाँ नहीं हैं, तो दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जो आम व्यक्ति वो परेशान नहीं होना चाहिए, फलाना ढिकाना बकवास उन्होंने वहाँ पे सौरभ ने बोली है। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए उसे दवा मिले। लेकिन चिट्ठी नहीं दिखाई इस बार। अब पॉइंट फिर मैं वो कहूंगा कि आखिर कैसे ये चिट्ठियां आ रही है,
ठीक है, कैसे आ रही है, सबसे बड़ा प्रश्न है। या तो ये फर्जीवाड़ा बाहर आम आदमी पार्टी के ये कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ये कर रहे हैं तो ये बुरा फंसेंगे, पर कोई खुद के पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहा है ये समझने वाली बात है। या फिर अरविंद केजरीवाल करवा रहे तो इनको भैया पत्ता साफ कराएगा। अरविंद केजरीवाल जनता के हितेशी नहीं है, अपनी पार्टी के हितेशी नहीं है, ये अपने लोगों के ऊपर पैर रख के ऊपर बढ़ने वाला व्यक्ति है। आप समझ लीजिए, ये जो आतिशी ये सब जो लाइमलाइट के लिए इतने ड्रामे कर रहे हैं रोडों पे, अराजकता फैलाते फिर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो चिट्ठी ये दर्शाती है कि ये कितने बड़े काम चोर हैं। ये अरविंद केजरीवाल मुझे बताइए कि जब जेल नहीं गए उससे पहले इन्हें कितनी चिंता हो गई, लेकिन जेल में घुसते ही भाई साहब को याद आ गई पानी की समस्या, दवाइयों की समस्या, लेकिन उससे पहले कुछ दिक्कत नहीं थी, तब एकदम सही चल रहा था। अब इन्हें लग रहा है कि कामचोर हैं इनके लोग, कि अरविंद केजरीवाल को जेल से चिट्ठी देनी पड़ेगी। हैं जी, इन भ्रष्टाचारियों का, महाझूठे लोगों का क्या होगा, जेल में सड़ेंगे। ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं अब इस मामले में भी जाएंगे। अब सुनिए, क्योंकि भाई बड़ी बात हो गई कि ईडी की कस्टडी से कैसे चिट्ठियाँ निकल रही है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ईडी ने ऐसी कोई सुविधा नहीं दी। चलिए, तो पहली चीज़ हो गई, तो फर्जीवाड़ा ये एक जो सामने चल रहा है। अब दूसरा कि अरविंद केजरीवाल ये जो पूरा अभी तो ईडी के रेडार पे है, सीबीआई इनके रेडार पे, इनके लोग हैं, तो अब प्रश्न खड़ा होता है क्या एनआईए भी यहाँ पे एंट्री करने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत गंभीर है, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपत वंत ने आरोप लगाया है। जी, गुरपत सिंह पन्नू क्या कहता है कि अरविंद केजरीवाल ने 2014 में क्या लिया था, इनसे फंड लिया था प्रो खालिस्तानियों से। क्यों? अब ये भी सबसे गंभीर है कि भुल्लर की भाई आज़ाद करने के लिए, उसको जेल से रिहाई के लिए, तो इसने वादा किया था कि आप हमें पैसा दो, इसको रिहा मैं करवा दूंगा। तो एक टेररिस्ट को जेल से बाहर निकलवाने के लिए अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ उठते, देखिए अब तक तो हम बातें करते रहे, बहुत मैंने आपको पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थक है। ये जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट रही, सारी चीज़ें रही, इसमें इसका पूरा का पूरा जो सपोर्ट था वो इसीलिए था। और अब तो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ये बात खुल के कह दिए कि इसके और उनके संबंध हैं, और इस व्यक्ति ने पैसे लिए और उनका काम नहीं किया, तो अब आके उनको एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए, गंभीर है, और यहाँ पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी की बात आ जाती है कि एक चीफ मिनिस्टर अगर गलत टेररिस्ट गतिविधियों में लिप्त है तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मसला है कि देश की राजधानी में बैठा चीफ मिनिस्टर क्या गलत कर रहा है। आप समझिए, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, एनआईए आए और इस व्यक्ति से पूछताछ करे। अब के कविता, अरविंद केजरीवाल से बीबी जब उनकी मिलने जाती है सुनीता, तो रोने लगते हैं। आज जब उनसे मिलके आई तो अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। क्यों? क्योंकि जब के कविता को सामने बैठा दिया और जब आमने सामने सवाल जवाब हुआ और के कविता पूरी अप्रूवर बन गई, गवर्नमेंट विटनेस बन के अरविंद केजरीवाल की सारी सच्चाई खोल दी, तो अरविंद केजरीवाल के पैर कांपने लगे, तब उसकी पैरों तले जमीन घिसकने लगी और वो समझ गया कि बड़ी दिक्कत हो गई है। और अब अरविंद केजरीवाल का पैतरा क्या चल रहा है, अब वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। ईडी अब जब उससे सवाल पूछती है तो वो जवाब नहीं देता है सही तरीके से। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब ये सारी गलत गतिविधियां, करप्शन, और इवन अभी मैंने ये बात की कि टेररिस्ट प्रो खालिस्तानी गुरपत वंत के साथ सारी गलत काम गतिविधियों में लिप्त था, तब इसके पास फोन रहते थे। वो फोन अब ये भाई साहब बता रहे हैं मिसिंग है, खो चुका है, याददाश्त भूल गए हैं भाई साहब कि वो फोन कहां गया, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि चैट्स हुई हैं, डील हुई है, बातें हुई हैं, और वो सारे गायब कर दिए। ऐसा ही मनीष सिसोदिया ने किया कि जब उससे पूछा गया उसने कहा पता नहीं, खो गया, खराब हो गया, ये सारी चीजें। और ऐसा ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, 18 फोन, ईडी कह रही है 18 फोन गायब हैं जिसका नहीं बताया जा रहा है। तो अब आप ये कहोगे अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, मैं भी केजरीवाल, कोई महामूर्ख ही कहेगा मैं भी केजरीवाल। आप ये कह रहे हो कि एक घटिया इंसान है तो आप उसका नाम लेना चाहते हो, ऐसा तो करना मूर्खता होगी। आप क्या अपने बच्चों का नाम रावण रखोगे? नहीं ना। तो
तो ये रावण है और आप कह रहे हो मैं भी रावण। आप समझिए, जागिए कि ये करप्शन करने वाला महाठग से भी बड़ा है। महाठग ये इतिहास में सबसे बड़ा ठग रहेगा कि किस तरीके से जनता को मूर्ख बना के सीएम बना और देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था, ऐसे लोगों से मिल रहा था, उनसे फंड ले रहा था। आपको ताज्जुब नहीं होता जब मैं आपको कह रहा था कि जब ये व्यक्ति अपनी वेबसाइट पे, आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भारत का नक्शा दिखाते हैं तो उसमें कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देते हैं। क्यों ऐसा क्यों? ये सबसे गंभीर प्रश्न है। जब यही आम आदमी पार्टी का फेसबुक पेज, पंजाब का फेसबुक पेज भारत का नक्शा दिखाता है उसमें कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देता है, ऐसा ये किस मानसिकता से करते हैं? ये अपने इन आकाओं को दिखाने के लिए कि हम आपके हैं, चाहे से हम भारत की राजधानी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के पद पे हो लेकिन हम चाटेंगे आपकी, राइट? अरविंद केजरीवाल कुर्सी इतनी इजीली नहीं छोड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको उतरवा दिया, सबके घर खाली करवा दिया। मनीष सिसोदिया की बीवी से, परिवार से घर खाली करवाए, सरकारी आवास, लेकिन इनकी बीवी छोड़ नहीं रही है, वही शीश महल में दुबक के बैठ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का इतना मोह है कि बोल रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। कैसे? फर्जी तरीके से, फर्जी चिट्ठियां सौंपी जाएगी। जनता तो मूर्ख है, आप तो मूर्ख हैं सबसे बड़े, कि आपको सिर्फ बोल दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल देखिए कितनी चिंता करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए, अगर आप सही में चिट्ठी लिख रहे हैं तो आज तक क्या कर रहे थे? आपने जब वादा किए कि 14 लाख सीसीटीवी लगाएंगे तो वो 14 लाख सीसीटीवी आज तक क्यों नहीं लगे 10 साल में? आप जब वादा करते हो कि आप पुलिस को सीधा, आप, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो यही कहते हैं दिल्ली की पुलिस टेढ़ी है, गलत है। शीला दीक्षित जब बलात्कार या कुछ ऐसे होते थे तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित जो कहती है हमारे अंडर पुलिस नहीं है, शीला दीक्षित की नाकामयाबी है वो, क्योंकि खुद करप्ट है, लेकिन जब हम आएंगे सीधा कर देंगे। तो दिल्ली में तो अभी रिसेंटली बलात्कार का केस हुआ 4 साल की बच्ची के साथ, तो आपकी ही आतिशी ये कहती फिर रही है कि हमारे पास तो पुलिस है नहीं, LG साहब को कोसो, उनकी है ये पूरी की पूरी। जब भी दिल्ली में कोई FIR होता है, होती है, वो होती है, बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कट लेती है। मतलब कैन द सीएम गेट अवे बाय सेइंग कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है? तो मैं दो सवाल पूछता हूं आपसे, आप अगर एक मंत्री बने, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आए तो आप कह रहे हैं कि रेप बंद हो जाएंगे, एक भी रेप नहीं होगा दिल्ली में, गारंटी दे रहे हैं आप? मैं ऐसे नहीं कह रहा। फिर दो चीजें की जाएंगी, एक तो ये कि दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा, दिल्ली पुलिस को अगर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली पुलिस को सुधारना। कैसे सुधार लेंगे दिल्ली पुलिस? कई तरह से कर सकता है, कई तरह से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं होती है, बिजली के दाम पड़े तो कहती है बिजली की कंपनी, आपने पुलिस बताइए, पुलिस भी बताएंगे, बिजली कंपनी के, बिजली के रेट बढ़ते हैं, शीला दीक्षित जी कहती है बिजली कंट्रोल में रही नहीं है, पुलिस कहती है पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इतनी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री। आप यहीं पे समझ जाइए दोस्तों करप्शन किस लेवल पे है। आप सिर्फ और सिर्फ ढोंग करना जानते हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक ये प्रपंच रचना जानते हो कि मैं ईमानदार, मैं केजरीवाल, बाकी सब मूर्ख। बट सबसे बड़े ढोंगी, बहरूपिए और सबसे बड़े पाखंडी तो आप ही निकले। दोस्तों ये साधारण मामला नहीं है, ये शराब का पूरा ये व्यापार, पैसा लेना और ये सारी चीज़ें, करप्शन किया। मैं तो सच बात बताऊँ इसी के खिलाफ हूँ, शराब के व्यापार के खिलाफ हूँ, बैन हो जाना चाहिए, पूरे भारत में बैन कर दो, क्या जरूरत है लिकर। ये आप मुझे एक चीज बताइए, लिकर क्या किसी को राइस करने में मदद करती है? लिकर, ये जो पूरी चीजें हैं शराब, ये क्या किसी व्यक्ति को अच्छा बनने में मदद करती है? नहीं, ये आपको तमोगुण, गलत चीज की तरफ ही प्रमोट करेगी, आपकी मानसिकता ही बिगाड़ेगी। तो आप ऐसी चीजें क्यों प्रमोट करते हो जिससे लोग नशेड़ी बने? आज का युवा क्या कर रहा है भैया? स्कूल पास आउट नहीं होता उससे पहले तो वो नशा शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि दुकानों पे अवेलेबल है। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप शराब की दुकानें खोल दो कि आके लोग नशे के पूरे आदि हो रहे हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं अरविंद केजरीवाल के भी सख्त खिलाफ हूँ कि ये भ्रष्ट व्यक्ति इस देश को ले डूबने की हर संभव कोशिश करता और ये सपने देखता मैं PM बनूंगा,
ये व्यक्ति, ये वो आम आदमी पार्टी है जिन्होंने जिन जिन लोगों पे आरोप लगाए, इनको आप सत्ता में क्यों लाए थे? दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को सत्ता में सिर्फ इसलिए लाई कि इसको ईमानदार समझा, ये सोचा कि ये व्यक्ति गलत लोगों के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगा, ये व्यक्ति कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा लिया वो व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता, वो कॉम्प्रो नहीं कर सकता। लेकिन ये इतना बड़ा झूठा, ऑन रिकॉर्ड बंदे ने कसम खाई और उसके बाद पूरा का पूरा यूटर्न लिया, इसी कांग्रेस के साथ जाके बैठ गए उनकी गोद में, ये इंडी अलायंस जो इनका निकल चुका है, नौटंकी ड्रामेबाजी। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी तो चाहती यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही सड़े। ये पूरा ड्रामा चल रहा है, मेलो ड्रामा चल रहा है, ये अरविंद केजरीवाल ये पूरे इसके बहाने थोड़ा सा खुद भी लेना चाहते हैं कि थोड़ा हम भी मक्खन खा लें। बट ये कभी नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आए और सारी चीज़ें कुछ अच्छी हो, तो चाहेगी ही कि, क्योंकि देखिए बीजेपी को नुकसान नहीं होता है अरविंद केजरीवाल से, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है। अगर ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी किसी के वोट काटती है तो वो कांग्रेस के वोट काटती है, तो नुकसान तो राहुल गांधी को, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये पार्टी यही चाहती है कि ये व्यक्ति जेल में ही सड़े, ठीक है, और सड़ेगा भी, राइट, सड़ेगा भी, ये तिहाड़ ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने मान लिया है, जब ये तिजोरी, जब ये पूरा अपना बैग भर के लेके चला गया है, इसको पता है मैं अभी लंबे समय तक तिहाड़ में रहने वाला हूँ, और ये बाहर बैठे लोग अपनी चिट्ठियों में लिख रहे हैं क्योंकि मैं जेल, अरे अभी ये जेल में नहीं है, अभी ये ईडी की कस्टडी में है, लेकिन भाई साहब लिख यही रहे कि क्योंकि मैं जेल में हूँ, जेल में हूँ, क्यों? क्योंकि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, ठीक है। आप समझ लीजिए दोस्तों, बहुत क्लियर है आपको, मैं एक बहुत सीधी सी चीज बता देता हूं, जो व्यक्ति सच्चा नहीं है, अपने धर्म को पकड़ के नहीं चलता है, आप समझिए, जो व्यक्ति सच्चा नहीं है, अपने धर्म को पकड़ के नहीं चलता है, वो व्यक्ति लोगों का अच्छा नहीं कर सकता। धर्म को पकड़ के चलना बहुत जरूरी है, अपने भारत की संस्कृति को पकड़ के चलना बहुत जरूरी है, और अरविंद केजरीवाल उनमें से नहीं है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, इसको शेयर करिए, जानकारी लोगों के साथ साझा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं इस चैनल पर। जय हिंद।